हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एमएसके इंजीनियर्स। सो जैसे हम आपको ट्रबल शूटिंग के बारे में बताएंगे, हमारा एक ब्रेकर ट्रिप है कंडेंसर फैन का। तो जैसा ये हमारा चिलर है, अभी हम आपको लेके चलते हैं ब्रेकर के पास। ये जैसा आप ये देख सकते हैं, हमारा पैनल है ऑलरेडी खोल के रखा है। इधर आए हमने फाइंड आउट किया आज हमारा जो कंडेंसर फैन है, जो कॉन्ट्रेक्टर, वो आप देख सकते हैं वो लाइन से, वो सब सेपरेट सेपरेट कंडेंसर फैन के कॉन्ट्रेक्टर हैं। और ये ब्रेकर है, एक ब्रेकर पे दो कंडेंसर फैन है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, हमारा एक ब्रेकर ट्रिप है, टेस्ट करके बताते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम डायरेक्ट रीसेट नहीं कर सकते। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, वो ब्लैक वाला जो है और रेड वाले जो उठे वो सब नॉर्मल है, और जो ब्लैक वाला जो उठा है वो हमारा ट्रिप कंडीशन में। तो हम आपको अभी क्लोज करके एकदम करीब से टेस्ट करके क्लेमीटर से आपको दिखाते हैं, फाइंड आउट करते हैं प्रॉब्लम क्या है, कंडेंसर फैन का ब्रेकर ट्रिप क्यों है, क्या रीज़न है। आप बने रहे वीडियो में, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा दो दो फैन ईच ये अपना ब्रेकर पे, कंडेंसर फैन ब्रेकर पे, ईच ब्रेकर पे दो कंडेंसर फैन मोटर का कनेक्शन दिया हुआ है। ये आउटपुट है, ये ऊपर से इनपुट है, थ्री फेस। तो थ्री फेस है ये। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ये वाला ब्रेकर जो है ये ट्रिप कंडीशन में है। तो इसको हम रिसेट नहीं करेंगे, रिसेट ना करके हम पहले टेस्ट करेंगे आखिर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। दूसरी बात हम आपको दिखा सकते हैं, ये एम्पियर है, 9 to 14 एम्पियर का ब्रेकर है। ये देखिए, जैसे कि सारे एकदम करेक्ट पोजीशन में है, और ये 9, 10 and 11 पे सेट है, जबकि हमारा कंडेंसर फैन जो है वो 4.2 एम्पियर का है फिले का। सो ऑलमोस्ट 9 होता है, 9, 10, 11, 1 से 2 एक्स्ट्रा रखा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा ये ऑलमोस्ट सारे एम्पियर जो हैं नॉर्मल जो चल रहे हैं वो भी सब सेट हैं सेम पोजीशन पे, तो हाई एम्पियर ले रहा है, इसीलिए ये ट्रिप हो रहा है। तो हम एक्चुअल में चेक करेंगे कि इशू क्या है। हमने फाइंड आउट किया है, वो जो ब्रेकर का जो कॉन्ट्रेक्टर है, ये दो कॉन्ट्रेक्टर है, ये और ये बाजू वाला, आप ये देख सकते हैं, ये दोनों कॉन्ट्रेक्टर है जिसमें हमने मार्किंग किया है। एक ये कॉन्ट्रेक्टर है, किसके बाजू वाला है, तो इसी दोनों का जो है वायरिंग कनेक्शन उससे, उस ब्रेकर से कनेक्ट है। तो आप बने रहे वीडियो में, मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, हम इसको कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे, क्योंकि हमारा अभी ऑफ कंडीशन में है, तो हम कंटिन्यूटी पे चेक कर सकते हैं। तो हमने इसको कंटिन्यूटी पे ऐसा रखा है, और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा कॉन्ट्रेक्टर, इसका थ्री फेस वायर ये नीचे है, आप यहाँ देख सकते हैं। और हम इसका जो थ्री फेस वायर है, हम कंडिविटी पे जाके कंडिविटी चेक करते हैं नीचे दो फेस में, तो हमारा ये शो कर रहा है 7.7। और दूसरा वाला का चेक करते हैं तो उसका ये नहीं शो कर रहा है, और फिर दूसरे से तीसरा तो भी नहीं शो कर रहा। तो जैसे कि आप ये देख रहे आर वाई YB and BR, तो दो फेस में सिर्फ शो कर रहा है और एक फेस में बता नहीं रहा है इसमें पावर। सो इसका मतलब है कि हमारा कंडेंसर फैन के वायर में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर वाइंडिंग में। तो हम अभी कंडेंसर फैन भी खोलेंगे और वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे क्या इशू है। अभी हमें यहाँ यही प्रॉब्लम मिला, तो हम इसका एक जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हम इसको इसका वायर डिस्कनेक्ट कर देते हैं पहले यहाँ से। ब्रेकर ऑफ है और वायर को डिस्कनेक्ट किया, और ये वायर को भी ये हमारा, ये तीनों वायर हमने, ये जो कंडेंसर फैन को जा रहा है ये हमने तीनों डिस्कनेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे सेपरेटली चेक करेंगे, तीनों फेस है हमारा आर वाई बी, जो कि कंडेंसर फैन में से आ रहा है ये कनेक्शन। तो हम इसको चेक करते हैं, ये हमारा दो फेस में चेक किया, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये दो फेस में चेक करने पे नहीं शो कर रहा है, लेकिन ये देखें, ये दूसरे में भी आर और वाई में नहीं बता रहा है, और आर बी में बता रहा है। मतलब ये दो फेस का कनेक्शन ओके है, और वाई से
बी का भी नहीं बता रहा है, जिसका मतलब है ये वाई से इन दोनों में कनेक्शन में नहीं शो कर रहा है। ये देखें, इनमें नहीं शो कर रहा है और इससे इसमें शो कर रहा है, इससे इसमें शो नहीं कर रहा। इसका मतलब है हमारा एक वाइंडिंग का ओपन बता रहा है, इधर कनेक्शन शो नहीं कर रहा, जबकि तीनों में शो करना चाहिए आपस में। जैसा कि अगर हम दूसरा जो नॉर्मल लगा हुआ है इसके बाजू में, अगर हम आपको इसका चेक करके दिखाते, देखो आर वाई और वाई आर बी और वाई बी तीनों में शो कर रहा है कंटिन्यूटी। इसका मतलब वो नॉर्मल है बाजू वाला जो है, और इसका एक वाइंडिंग ओपन है, इसका इश्यू लग रहा है, प्रॉब्लम है। अब कॉन्ट्रेक्टर हमको चेक करना है, तो हमें कॉन्ट्रेक्टर को ऐसा पुश करके पुश करेंगे क्योंकि वहाँ से ब्रेकर बंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुश करेंगे, पुश करने के बाद हम ऊपर से अपर इनपुट से और आउटपुट में चेक करेंगे, बता रहा है नहीं बता रहा है कनेक्शन, और ऐसे ही करके हम तीनों फेज को चेक कर लेंगे। तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा इससे पास हो रहा है कि नहीं, कॉन्ट्रेक्टर ओके है या कॉन्ट्रेक्टर खराब है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अभी हमें प्रॉब्लम मिल गया है कि हमारा कंडेंसर फैन का जो वायर है ओपन दिखा रहा है, तो हम इसको अभी कंडेंसर फैन में जाएंगे, हो सकता है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो, तो वहाँ चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं, तो बने रहे वीडियो में। सो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा कंडेंसर फैन है, नीचे हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, और अभी हम ऊपर आए हैं कंडेंसर फैन पे। तो हमने ऑलरेडी टैगिंग के हिसाब से हमने फाइंड आउट किया है ये हमारा कंडेंसर फैन है, और हमने ये कनेक्शन इसका ऑलरेडी ओपन किया है। तो अब हम आपको दिखाते हैं इस पर, इसका जो यहाँ पे चेक करते हैं क्या रीज़न है, क्यों उधर वाइंडिंग ओपन दिखा रहा है। तो अब जैसे कि आप कंटिन्यूटी पे हमने सेट करके रखा है, ये साउंड सुन सकते हैं। दूसरी बात, हमारा यहाँ कोई बर्न नहीं है, कोई लूज़ कनेक्शन नहीं है, ये भी हमने चेक कर लिया है। और ये हमारा इनपुट जो इधर से आया है, ये तीन वायर, ये आप देख सकते हैं ये इनपुट है। तो हम पहले ये आउटपुट में, अभी तीनों हमने कनेक्शन वहाँ से निकाल रखे, तो इसमें पावर आने का चांसेस नहीं है कोई। तो अब हम यहाँ चेक करते, ये आर वाई चेक किया, अभी इधर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अब मैं वाई और बी चेक करता हूँ, वाई बी में भी कोई शो नहीं कर रहा है, और फिर आर बी में शो कर रहा है, और वो भी ये देख सकते हैं। और वाई से ना आर शो कर रहा है, वाई से ना बी शो कर रहा है, जैसा आप ये देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि येल्लो वाला जो ये वाइंडिंग है हमारा, ये ओपन हो गया है। अब हम इनपुट चेक कर लेते हैं, कभी कभी आउटपुट में यहाँ से कनेक्टर कुछ प्रॉब्लम करता है, तो हम यहाँ से चेक करते हैं। ये देखें, यहाँ भी वही इशू है, एक वाइंडिंग शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो ये वाइंडिंग कनेक्शन है, जो एक वाइंडिंग ओपन हो चुका है, ऑलरेडी ख़राब हो गया है मतलब। और जो हमारा ये, आप इसका कनेक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ग्रीन है, जो हमारा इसका ग्राउंड का होता है, वो ऑब्वियसली सबको मालूम है। और जो हमारा ये वाइट कलर के दो साइड में आए हुए हैं, ये हमारे जो थर्मल प्रोटेक्शन होता है, थर्मल ओवरलोड होता है, उसका कनेक्शन है। जो अंदर मोटर के अंदर थर्मल ओवरलोड है, वो यहाँ पे, यहाँ से दो वायर आउट होके और हमारे दूसरे ओवरलोड में गया है, जो कि वो एक दूसरे से सीरीज़ में डाला है। और बाकी का जो ये आपको तीन वायर दिखेगा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, एक ये येलो टाइप का और एक ग्रीन, डार्क ग्रीन में है फुल, और एक वाइट। ये तीन वायर जो आए हैं, ये हमारे थ्री फेस है, और ये भी हमारा थ्री फेस है, लेकिन ये जो थ्री फेस है ये स्टार है। हमने यहाँ से जंपर मारा हुआ है, देखो यहाँ पे एक दूसरे को लूप मारा है। हम चाहे तो ये तीनों को निकाल के आपस में लूप मार देंगे तो भी चलेगा, पर कॉन्ट्रेक्टर पर डाल के इधर से भी लूप मारेंगे तो भी चलेगा, वही बात है। तो हमारा ये तीनों शॉर्ट किया है और तीन फेस को डायरेक्ट दे दिया है, तो ये हमारा बन गया है स्टार, ये स्टार कनेक्शन है। तो हमारा ये फाइंड आउट हो गया है, ऑलमोस्ट हमारा ये कंफर्म हो गया है कि इशू क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। हमारा सिंगल फेस, एक फेस इसमें नहीं है, ओपन है एक वाइंडिंग। तो यही हमारा पर्पस था आपको एक्सप्लेन करने का, ये हमारा कनेक्शन है और कोड से हमने मैच किया। तो ये हमारा स्टार कनेक्शन है, जिससे कि तीन शॉर्ट था और तीन फेस जो थ्री फेस है उसको कनेक्शन आता है, थ्री फेस को शॉर्ट किया जाता है। तो ये एक वाइंडिंग ओपन, इसकी वजह से हमारा ये मोटर जो है रोटेट नहीं कर, एक फेस नहीं आ रहा, तो वो हीट होगा ओवरलोड, ओवर हाई एम्पियर लेके ओवरलोड पे ट्रिप हो रहा है, मतलब हमारा ब्रेकर ट्रिप हो रहा है। बस हमारा पर्पस यही था आपको एक्सप्लेन करने का, हमारा ट्रबल शूटिंग था कंडेंसर फैन का। कंडेंसर फैन का ब्रेकर अगर ट्रिप है तो सडनली आप उसको रिलीज़ ना करें,
और पहले आप चेक करें ग्राउंड तो नहीं है कुछ, क्योंकि कोई बड़ा इशू हो सकता है, बर्न हो सकता है, तो इसलिए हमने पहले चेक किया है। अब चेक करने के बाद हम ये एक कॉन्ट्रेक्टर का जो एक कंडेंसर फैन का कनेक्शन हम रिमूव कर देंगे और दूसरा वाला कंडेंसर फैन चेक करके उसको चला देंगे, क्योंकि एक ब्रेकर पे दो कॉन्ट्रेक्टर है, दो कंडेंसर फैन का कॉन्ट्रेक्टर, तो एक का प्रॉब्लम है, तो एक रिमूव करके दूसरा हम चला सकते हैं। तो बस यही हमारा पर्पज़ था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। अपना प्यार बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वॉच कंप्लीट करें। अल्लाह हाफिज़, मसलाम।